जय माता दी दोस्तों नमस्कार आज इस श्रृंखला में हम समझेंगे अष्टक वर्ग कैसे निकाला जाता है मैनुअली यानी आपकी खुद के चार्ट पे आप अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग कैसे निकाल सकते हैं या किसी और की कुंडली का अगर आपको जैसे डिटेल्स मिल जाए जैसे यहाँ पे टाइम डेट ऑफ बर्थ तो उसकी कुंडली में आप मैनुअली कुंडली निकाल कुंडली बनाने के बाद आप मैनुअली अगर कोई अष्टक वर्ग निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं तो उसकी बेस क्या है आज मैं आपको वो बताऊंगा साथ ही साथ अष्टक वर्ग से जुड़े जो प्रोडिक्शन होते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं अष्टक वर्ग क्या है दोस्तों अष्टक वर्ग यानी आठ वर्ग अष्टक वर्ग कैसे आते हैं सात प्लैनेट और यहां पे आप देखेंगे सेवन प्लैनेट्स और लग्न इनको मिला के होते हैं आठ वर्ग टोटल आठ हो जाते हैं ये सेवन प्लान इसमें राहु और केतु का रोल नहीं होता याद रखिएगा अष्टक वर्ग में राहु केतु का अष्टक वर्ग भी निकाला जा सकता है उसके लिए मैं डिफरेंट एक वीडियो आपके लिए बाद में बना दूंगा फिलहाल हम जो नॉर्मल अष्टक वर्ग हमें कुंडली में या सॉफ्टवेयर कुंडली में अक्सर मिलता है वो कैसे वो कैसे फाइंड आउट कैसे कैलकुलेट होता है वो आज हम यहाँ पे समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रोडिक्शंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि अष्टक वर्ग जो होता है वो आठ वर्ग जो है ये प्लैनेट्स के सात प्लैनेट और एक लग्न को मिला के अष्टक वर्ग का निर्माण होता है अष्टक वर्ग में जो टोटल पॉइंट होते हैं दोस्तों वो 337 पॉइंट्स होते हैं अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करते हो 12 भाव जैसे कि हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं आपको पता है डिवाइड बाय 12 आप अगर आप कर देते हो तो आपको जो फिगर आएगा अप्रॉक्सिमेटली एवरेज फिगर जो आएगा वो ट्वेंटी का आएगा यानी अट्ठाइस पॉइंट अगर ट्वेंटी पॉइंट हर एक भाव में हो ट्वेंटी एट पॉइंट एक एवरेज एक ओके okay, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल पॉइंट माना जाता है बेहतर पॉइंट माना जाता है किसी भी भाव के लिए ठीक है अब थोड़ा सा आप कुछ नोट करने के लिए कोई बुक या कॉपी लेने जिससे आपको ये बन... क्योंकि ये काफी लेंदी चीज है इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवाना कैलकुलेट कर कल कैलकुलेट करके मैं आपको दूं ये तो नामुमकिन है यहां पे बट कैलकुलेट कैसे किया जा सकता, सकता है ताकि आप खुद से कैलकुलेट करके निकाल सकें ठीक है सबसे पहले आप क्या करिएगा आप कुछ एक सर्वाष्टक वर्ग के लिए यानी टोटल आपको आठ ऐसे चार्ट बनानी है आपके लगन की जैसे जो आपकी लगन हो उसी लगन की आपको आठ ऐसे कॉलम वन टू थ्री फोर फाइव सब एक प्लानिट जितने भी हैं जैसे कि एक टोटल होगा एक में आपको टोटल बाद में लिखना है फाइनल जिसे हम कहते हैं अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग जिसे कहते हैं आपको एक सन के लिए चार्ट बनानी अपने ही लगन की बनानी ध्यान देना मून के लिए मार्स के लिए मरकुरी के लिए जुपिटर के लिए वीनस के लिए सैटन के लिए अलग से एक चार्ट बना लेनी है ठीक है अपने ही लगन की यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लगन यहाँ पे सात नंबर लिखा हुआ है तो अपनी लगन की आप ऐसे चार्ट बना लीजिए अब अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले दोस्तों जो भी आपके पास डिटेल अवेलेबल होगी वो देख लीजिएगा आपकी चार्ट पे कर रहे हैं या फिर आप जो मैं जो आपको मैं डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा हूं उस पर करना है वो आपके ऊपर है बस जो रूल्स में बता रहा हूँ उसको लागू करते जाइएगा इस टेबल का यूज कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा देखिए दोस्तों सूर्य को टोटल 48 पॉइंट्स मिलते हैं सारे ग्रहों से कुल मिला के उसको सिर्फ 48 पॉइंट्स मिलते हैं टोटल अब वो कैसे मिलते हैं किन भावों में मिलते हैं उसी के बारे में हम यहाँ पे सम्... थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे ठीक है सन पहले खुद को पॉइंट देगा यानी सन जहां पे बैठा है वहां से वो पहले घर में दूसरे चौथे सातवें आठवें नौवे दसवें और ग्यारहवें भाव में अपने आप को एक एक पॉइंट देगा एक एक पॉइंट इन सब जगहों पे, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशन जैसे मेरे चार्ट में सूर्य यहाँ पे बैठा है दोस्तों बारहवें भाव में आप देख सकते आपके चार्ट में सन कहां पे बैठा पहले उसे फाइंड आउट करना है उस भाव से पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें नौवे दसवें और ग्यारहवें भाव में एक एक पॉइंट सूर्य खुद को देता है याद रखिएगा उन भाव में जैसे कि सन मेरे यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में बैठा सबसे पहला पॉइंट वो अपने आप को देगा कहां पे देगा यहां पर यह नीचे के चार्ट में देखिए मैं मार्क करते जा रहा हूं एक पॉइंट सन ने खुद को दिया यहां पे दूसरा पॉइंट सेकंड हाउस में देगा तो यहां से सेकंड हाउस वन टू ये सेकंड हाउस हुआ दूसरा पॉइंट सेकंड यहाँ पे मिला फोर्थ हाउस जहाँ पे सूर्य बैठा वहाँ से चौथा भाव जो है ये है तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला फिर सेवेंथ ऑब्वियसली सेवेंथ हाउस जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से सातवां यही होगा नो विदाउट एनी डाउट हम समझ सकते हैं तो ये एक पॉइंट हमने सुसन ने अपने आप को सातवें घर में दिया फिर एट्थ हाउस ये हुआ एट्थ हाउस में पॉइंट दिया नाइन्थ हाउस में पॉइंट दिया टेंथ हाउस में पॉइंट दिया इलेवेंथ यानी सूर्य अपने भाव से इन सब जगहों पे एक एक पॉइंट्स सूर्य को मिल गया राइट अब सन को मून से भी पॉइंट मिलेंगे ठीक है अब सन को मून से पॉइंट मिलेंगे उसी प्रकार ये आप जो मैंने मार्क किया इसको एज एट इज आपने मार्क किया होगा आई थिंक अब मून से देखिए मून कैसे हैं मून यहाँ पे आप देख सकते हैं मून आप हमारे इस चार्ट में टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं आपके केस में मून को पहले निकालिएगा कि मून कहाँ पे बैठा हुआ है तो मून अपने से थर्ड सिक्स टेंथ यानी कि मून जहां बैठा है मेरे भाव यहां पे टेंथ हाउस में बैठा है तो मून से थर्ड हाउस ट्वेल्थ हाउस हुआ यानी मून ने एक पॉइंट यहां पे अगेन दे दिया पहले एक सन ने ऑलरेडी दिया था आपको याद होगा ट्वेल्थ हाउस में सिक्सथ हाउस में मून जहां बैठे वहां से सिक्स हाउस मून से सिक्स हाउस ये हुआ थर्ड हाउस हुआ तो यहां पे एक पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी सन ने एक पॉइंट दिया था यानी यहां पे इस भाव में दो पॉइंट हो चुके हैं सन के चार्ट में ये सन के चार्ट में हो रहा है अभी फिलहाल

अभी क्योंकि ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ सन की कर रहा हूँ मैं इसके बाद मार्स की करनी है सारे सारे प्लैनेट्स के लिए करनी पड़ेगी आपको तो ऐसे करके आप भिन्नास्टक वर्ग बोलते हैं इसको निकालना यानी कि अभी फिलहाल हम क्या निकाल रहे हैं आपको बता दूं अभी हम फिलहाल क्या निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे ये वाला चार्ट सिर्फ ये जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई सिर्फ सन के लिए हो रही थी ये ये सारा कैलकुलेशन सिर्फ सर के आप देख सकते हैं आप यहाँ पे उनको ट्वेल्थ सात सबसे ज्यादा पॉइंट ट्वेल्थ हाउस में मिला है सूर्य को अब खाली थोड़ा सा मैं आपको ना क्लियर करता हूँ अभी आपको पॉइंट निकालना तो मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है उस चार्ट के थ्रू अब मैं ये बताता हूं कि जैसे सूर्य को यहाँ पे अ, सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है सेवन पॉइंट मिले ट्वेल्थ हाउस में तो ये कैसे मिले इसके बारे में जानते हैं ठीक है अब थोड़ा सा सन की जो सन को जितने पॉइंट यहां पर मिले हैं ट्वेल्थ हाउस में कौन कौन पॉइंट दे रहा है इसको थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा ठीक है देखते हैं सात पॉइंट उनको कैसे मिले हैं सबसे पहले सन ने खुद को एक पॉइंट दिया था ट्वेल्थ हाउस में मैं यहां पे नीचे वाले चार्ट में मार्क करते जा रहा हूं ठीक है उसके बाद ट्वेल्थ हाउस में मून ने भी बिकॉज मून से थर्ड जो है ट्वेल्थ हाउस है ऑब्वियसली मून ने एक पॉइंट दिया था और मार्स ने दिया है क्या मार्स मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है तो मार्स तभी सन को पॉइंट दे सकता है जब वो ट्वेल्थ हाउस में यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस मेंशन नहीं है बारहवें तो मंगल कोई पॉइंट्स नहीं दे रहा है उनको ट्वेल्थ हाउस में मकुरी देखिए मकुरी जो है ट्वेल्थ हाउस में पॉइंट देता है तो मकुरी से ट्वेल्थ हाउस कौन सा हुआ ट्वेल्थ हाउस हुआ राइट तो अगेन मर्कुरी ने एक पॉइंट दिया तीन पॉइंट हो गए फिर जुपिटर जो है अपने से सिक्स हाउस में आप देख सकते हैं जुपिटर सिक्स छे जुपिटर आप जहाँ बैठा है वहां से सिक्स हाउस में पॉइंट देता है तो जुपिटर यहां बैठा है जुपिटर से सिक्स हाउस कौन सा हुआ ये हुआ ऑब्वियसली ट्वेल्थ हाउस अगेन जुपिटर से भी एक पॉइंट मिल गया उनको यहाँ पे सन ने खुद को दिया है मून ने से, मून से उनको मिला जुपिटर से मिला सन के पॉइंट्स एक है यहाँ पे मून के एक पॉइंट्स हुए मरकुरी के एक पॉइंट्स हुए और जुपिटर के टोटल इनको कितने पॉइंट्स मिल गए

11वे भाव में देख सकते हैं सैटर्न 11th में भी एक पॉइंट दे रहा है तो सैटर्न से अगर आप 11th काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगेन सैटर्न ने भी एक पॉइंट दिया सन को राइट right? अब मैं इसको सैटर्न का भी एक पॉइंट ले लेता हूं आप गिन सकते हैं 6 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं नीचे 6 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं एक पॉइंट देखिए लगन से भी लग्न भी अपने से बारहवे में सूर्य को एक पॉइंट देता है राइट तो लग्न तो यही है ऑब्वियसली तो यहां से एक पॉइंट मिला हमको लग्न से भी तो आप टोटल गिनेंगे ये सात पॉइंट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात पॉइंट सन को इस प्रकार से सिर्फ ट्वेल्थ हाउस में मिल जाता है समझे आप तो ऐसे ही ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है और इसी प्रकार से जब आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लोगे अच्छे से क्योंकि ये काफ़ी लंबा है अभी तो सिर्फ मैंने सन का निकाला है फिर आपको मार्स के लिए निकालना पड़ेगा फिर जुपिटर के लिए निकालना पड़ेगा सैटन के लिए निकालना पड़ेगा मैंने तो अभी सन का सिर्फ सन और मून ऐसे करके नॉर्मली आपको दिखाया कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बट ओवरऑल कैलकुलेट जब आप कर लोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से भिन्नाष्ट सन के पॉइंट्स मिल जाएंगे मून के मार्स के मरकुरी के सबके पॉइंट्स मिल जाएंगे और इन सबके पॉइंट्स को जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे आपको अष्टक वर्ग आपका सर्वाष्टक वर्ग जिसे हम कहते हैं वो आपको मिल जाएगा कैसे वो भी देख लेते हैं अब देखिए यहां पे 22 लगन में 22 पॉइंट मिले ये 22 पॉइंट आखिर कहां से आए हैं दो पॉइंट दो मून मून को दो पॉइंट मिले यहां पे चार मंगल को यहां पे दो पॉइंट मिले छ मरकुरी को यहां पे पांच पॉइंट मिले ग्यारह जुपिटर को यहां पे छ पॉइंट मिले सत्रहस को यहां पे तीन पॉइंट मिले बीस सैटन को यहां पे दो पॉइंट मिले यानी बाईस ये हुआ आपका टोटल नंबर सर्वाष्टक वर्ग यहां पे ट्वेंटी टू आया आपको उसी प्रकार से इसको नहीं काउंट करना है ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार से कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं मान और एक कैलकुलेशन करके देखते हैं जैसे कि यहां पे देख सकते हैं फिफ्थ हाउस में तीस पॉइंट मिले हुए हैं सर्वाष्टक वर्ग में जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे सन ने सन को तीन पॉइंट मिले हैं मून को फिफ्थ हाउस में पांच पॉइंट मिले थ्री प्लस फाइव हो गए एट मार्स को चार पॉइंट मिले हैं हो गए ट्वेल्व Mercury को फिफ्थ हाउस में छः पॉइंट मिले हो गए एटीन और यहां पे जुपिटर को चार पॉइंट मिले हो गए ट्वेंटी टू यहां पे सिक्स पॉइंट मिले किसको वीनस को फिफ्थ हाउस में मिले हो गए ट्वेंटी एट और दो पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे सैटन को जो कि होते हैं थर्टी और यहां पे आपका सर्वाष्टक वर्ग फिफ्थ हाउस में आता है तीस आप जब पूरा सारे ग्रहों के लिए भिन्नाष्टक वर्ग निकाल लेंगे क्योंकि ये जो निकाला है दोस्तों इसको बोलते हैं और प्रताष्टक वर्ग बोलते हैं इसको कोई बोलता है कोई पराष्टक वर्ग कहता है और इसी के प्लस इसी के टोटल का जो होता है आपको हमेशा सर्वाष्टक वर्ग जो है कैलकुलेट करके आता है जिसे आप अष्टक वर्ग भी कहते हैं आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब थोड़ा सा मैं एक कुछ चीजें आपको बता देता हूं अष्टक वर्ग के बारे में कभी भी अष्टक वर्ग को फाइनल ना लें जैसे कि मान लीजिए अभी आपको जैसे मैंने कहा एवरेज होता है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट इज द एवरेज नंबर फॉर किसी भी भाव में अट्ठाइस से कम थोड़ा सा हम उसको वीक हाउस मानते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा प्लैनेट्स उसको पॉइंट्स नहीं मिल रहा है उस भाव को ज़्यादा प्लैनेट्स ने अच्छे पॉइंट्स नहीं दिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सेवंथ हाउस में ट्वेंटी वन पॉइंट ऐसा क्यों है क्योंकि आप देखेंगे मंगल को यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मिला है मरकुरी को सिर्फ दो पॉइंट मिला है वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है सेवंथ हाउस के लिए उसको सिर्फ एक पॉइंट मिला है सैटन चलो दो पॉइंट दो पॉइंट मिला इट्स ओके सेटन को वैसे भी थर्टी नाइन पॉइंट मिलते हैं और सेवंथ हाउस के लिए सैटन इतना इंपॉर्टेंट प्लान भी नहीं होता कुल मिला के देखिये यहाँ पे वीनस का एक मैं कहूँगा कम पॉइंट इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वीनस का पॉइंट इंपॉर्टेंट है शादी के फैक्टर को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं और सेवंथ हाउस की बात हो रही है तो वीनस का सेवंथ हाउस में अगर कम पॉइंट है तो ये इसे हम थोड़ा सा नेगेटिव ले सकते हैं बिकॉज वीनस इज इंपॉर्टेंट प्लानट फॉर अ मैरिज ओके तो कभी भी सिर्फ अष्टक अस्ट, वर्ग को कैलकुलेट करते वक्त उस प्लानिट के वर्ग देख लीजिएगा अगर आप कैलकुलेट अष्टक वर्ग प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो वीनस देखिए कि जो सेवेंथ हाउस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं सबसे सपोर्टिव जैसे कि जुपिटर ने पांच पॉइंट दिए ये एक अच्छी बात है शादी अगर हो गई तो अच्छी खासी चल जाएगी जो खराब होता है तो शादी होने के बाद दिक्कत बहुत ज्यादा होती है हो तो जाएगी लेकिन बाद में चलती नहीं है और शुक्र शुक्र प्रॉब्लम में हो तो विशेषकर शादी होने में दिक्कत हो यानी शादी जल्दी हो नहीं पाती या फिर शादी के अंदर जो बॉन्ड केमिस्ट्री होती वो अच्छी नहीं होती इंसान इन, की तो ये समझ में आता है अब कुछ से जो है जो ज्यादातर लोग अक्सर जानते हैं या सोचते हैं सर देखिए अगर एक वेल्थ के लिए बता रहा हूं पैसे के लिए अगर ग्यारहवें भाव और सेकंड हाउस का जो पॉइंट्स है वो ट्वेल्थ हाउस से ज्यादा है ये एक सिंबल है कि पैसा जीवन में अच्छा रहेगा ठीक है सिर्फ ऐसे आप मत देखिए कि मेरे सेकंड हाउस में थर्टी पॉइंट है या थर्टी फाइव पॉइंट आ गए तो पैसे बहुत अच्छे हैं ज़रूरी नहीं है वो हो सकता है फैमिली बहुत अच्छी मिले आपको फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहे लेकिन वेल्थ के लिए आपको ये दोनों पॉइंट्स देखने चाहिए कभी भी क्योंकि दोनों भी वेल्थ के लिए हैं और अगर ट्वेल्थ हाउस से ज़्यादा पॉइंट सॉरी सेकेंड हाउस से ज़्यादा पॉइंट ट्वेल्थ हाउस में है तो ये दिखाता है कि एक्सपेंसिस ज़्यादा हो सकते हैं और इंसान के ऊपर कर्जे हो सकते हैं तो वेल्थ के लिए ज़्यादातर सक्सेसफुल लाइफ के लिए कहा जाता है सेकेंड हाउस एलेवेंथ हाउस और लगन अगर इन तीनों का पॉइंट ट्वेल्थ हाउस से ज़्यादा है तो ये दिखाता है ये इंसान अपने जीवन में लगभग सारी इच्छाएं पूरी करेगा और अच्छा वेल्थी लाइफ जी सकता है ठीक है उसके बाद और एक प्रचलित चीज़ है कुछ लोग सोचते हैं कि सेवेंथ हाउस में कम पॉइंट हो अच्छा है क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि ज़्यादा पॉइंट हो तो वाइफ डोमिनेट करेगी मुझे बट सच बात तो ये है वाइफ या हस्बैंड डोमिनेटिंग होगा ऐसा सोचते हैं लोग किसी भी भाव में बहुत ज्यादा कम पॉइंट होते हैं तो उस भाव के जो अच्छी बातें होती अच्छी चीजें होती वो भी एफेक्टेड हो जाती वो भी एफ्लिक्टेड हो जाती जैसे कि यहाँ पे मैरिज का मैंने दिखाया ट्वेंटी वन है तो कुछ ना कुछ मैरिज में और रहा होगा कुछ ना कुछ मैरिड में मैरिज हटके रही होगी या बहुत लेट हुई होगी या किस किसी और सिचुएशन सुचु, में शादी हुआ होगा मे बी देर आर लॉट्स ऑफ थिंग तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल है सेवेंथ हाउस में ये समझ में आता है उसी प्रकार से मैं कहूँगा सेवेंथ हाउस में मे भी अच्छे एटलीस्ट सत्ताईस अट्ठाइस तीस पॉइंट होने चाहिए मेरे हिसाब से तो एक अच्छी मैरिज लाइफ नहीं तो बहुत बार मैं अगर देखिए बहुत कम पॉइंट हैं बट वीनस एग्जॉल्टेड है या जुपिटर बहुत अच्छे कंडीशन में बैठा है या जुपिटर और वीनस या जुपिटर मून ऐसे प्लानट्स आपके सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं या बैठे हुए तो सिर्फ अष्टक वर्ग में कम पॉइंट होने से आप प्रिडिक्शन मत दीजिएगा कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है हमेशा पहले कैलकुलेशन जो ज्योतिष की बाकी कैलकुलेशन वो करने के बाद अष्टक वर्ग चेक करिए अष्टक वर्ग आप चेक करिएगा ड्यूअल चेकिंग के लिए बोलते ना कि सेकेंड कन्फर्मेशन थर्ड कन्फर्मेशन के लिए आप अष्टक वर्ग चेक कर सकते हैं सिर्फ अष्टक वर्ग के बेसिस पे कोई भी कंफर्मेशन मत दीजिएगा सिक्स हाउस जो होता है दोस्तों हमारे और सिचुएशन में लड़ने की क्षमता हमारे स्ट्रगल में सर्वाइवल की अवस्था को दिखाता है कि हम कितना स्ट्रगल कर सकते हैं और अपने आप को और सिचुएशन से निकाल सकते हैं तो थर्ड हाउस बहुत लोग सोचते हैं ट्वेल्थ हाउस कमजोर हो हमेशा तो ही अच्छा हो सिक्स हाउस में अच्छे पॉइंट होना अच्छी बात है बिकॉज सिक्स हाउस उपाच्य भाव है ये वो भाव है जो लाइफ के साथ अच्छा होते जाता है और आपको लाइफ में अपलिफ्ट करता है उपाच्य भाव कौन कौन से हैं आपको बता दो थर्ड सिक्स इलेवेंथ और टेंथ को भी कंसिडर किया जाता अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा हो तब टेंथ हाउस को भी उपाच्य भाव माना जाता है अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा हो तो अदरवाइज थ्री सिक्स इलेवन इज द उपाच्य भाव तो छठवें भाव में अगर अच्छे पॉइंट्स हैं तो यह दिखाता है इंसान की जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छी है वो जल्दी बीमार होगा तो एक दो टैबलेट में ठीक भी हो जाएगा जरूरी नहीं कि पूरी पूरी डोज लेनी पड़े उसको तो कहने का मतलब है जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ी अच्छी होती है सिक्स हाउस स्ट्रांग है तो आदमी की रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी हो जाती है वहीं पर सिक्स हाउस बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो आपको जो सिक्स हाउस की जो नेगेटिविटी है वो बहुत भारी पड़ेगी यानी कि जो डिजीज़ है उसको आप झेल नहीं पाओगे बहुत जल्दी वीक पड़ जाओगे तो सिक्सथ हाउस की स्ट्रेंथ भी जरूरी है उसी प्रकार से एट्थ हाउस में भी लोग सोचते हैं कि कम भाव कम पॉइंट्स हो तो अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एक ट्वेंटी एट एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा पॉइंट तो होने ही चाहिए एट्थ हाउस में भी तो ये आपकी लॉन्गेबिलिटी को भी अच्छा करता है और जो ससुराल पक्ष है या जीवन में जो ऐसे सुख हैं जिसके लिए ऐसे पैसा ऐसा सुख जो इसके लिए आपने मेहनत नहीं की वो भी आपको मिलते हैं एटथ हाउस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट होता है अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो आपकी हेल्थ को आपकी जो बोलते हैं ना कि दीर्घायु को इफ़ेक्ट करता है उसी प्रकार से नेम फेम की जब आप बात करते हैं तो टेंथ हाउस स्ट्रांग है लगन स्ट्रांग है तो ही आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि नेम फेम अच्छा रहेगा इस इंसान का अब अच्छा, अच्छा, कहने का मतलब यह कि दोनों में एटलीस्ट थर्टी या थर्टी से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए लगन और टेंथ हाउस दोनों के लिए स्टेटस और पर्सनैलिटी दोनों ही साथ में अच्छी होंगी तभी अच्छी राइजिंग मिलेगी इंसान को तो पैसे के लिए मैंने बता दिया कभी भी कोई भी चीज जब आप देखते हो जैसे आप मान लीजिए आप फिफ्थ हाउस देख रहे हो फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है इंसान का फिफ्थ हाउस क्या होता है एजुकेशन लव अफेयर फेयर अब उसके साथ ना जरूर जुपिटर को भी देखिएगा बिकॉज जुपिटर इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ अ फिफ्थ हाउस और उस कुंडली में जो भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा उसको भी देखिए सिर्फ इस बेसिस पे कभी भी कोई प्रडिक्शन मत दीजिए कि थर्टी पॉइंट है आपके फिफ्थ हाउस में सब अच्छा ही होगा आपने ऐसा बोल दिया और वो सामने वाले ने कह दिया कि अरे मेरा बच्चा तो उसको कई केटी लग चुकी हैं या उसका एजुकेशन अच्छा नहीं है या उसको कोई ब्रेक मिला है तो एक बार पहले जो हमारी जो चार्ट में एनालिसिस है एज पर प्लानट एज पर भावाज वो करनी है और उसके बाद अष्टक वर्ग पे आना अष्टक वर्ग जैसे मैंने कहा कन्फर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो और हाँ अगर आप अष्टक वर्ग में खुद को अच्छा करना चाहते हो तो इसको डे टू डे लाइफ में हर प्रडिक्शन में यूज करेंगे तो इसमें आपकी पकड़ अच्छी होती जाएगी जैसे कि मैं बहुत ज्यादा अष्टक वर्ग नहीं यूज करता हूं बट हां मुझे अष्टक वर्ग पता है कि हाँ ये ये कैलकुलेशन है इस तरह से इसको देखा जाता है अष्टक वर्ग का एक यूज ट्रांजिट के लिए भी होता है दोस्तों वो मैं बता दे रहा हूं जैसे कि जिन भावों में बहुत कम पॉइंट्स हैं जैसे कि वीनस को यहां पे कम पॉइंट है मार्स को यहां पे कम पॉइंट है सैटन को देखो यहाँ पे जीरो पॉइंट है तो इन सब जगहों पे जब कहने का मतलब है Saturn को यहाँ पे जीरो पॉइंट मिला तो शनि जब भी इस भाव में आएगा दूसरे भाव में आएगा इस इंसान के वो पॉइंट जो होगा इसके लिए डिफिकल्ट फेज का होगा और उस वक्त अगर सैटन की दशा चल गई तो इफेक्ट ज्यादा करेगा सैटन की दशा या अंतरदशा नहीं हुई तो इफेक्ट कम करेगा तो इसको थोड़ा सा समझना है ट्रांजिट ऑलवेज इफेक्ट्स पर्सनैलिटी और इफेक्ट द पर्टिकुलर जो इंसान के जीवन में चल रहा होता है ट्रांजिट्स का इफेक्ट होता है कम होता है ज़्यादा होता है डिपेंड करता है उसकी महादशा किसकी चल रही है और वो प्लानट कौन सा ट्रांजिट कर रहा है जो फास्ट मूविंग प्लान्स होते हैं मरकुरी मून वीनस इनकी दशा में क्या होता है मिक्स रिजल्ट मिलते रहते हैं क्योंकि ये जो है फास्ट मूव करते रहते हैं एक महीना किसी खराब भाव में भी चलेगा जैसे एग्जांपल वीनस अगर इधर सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो अगले ही दो महीने बाद वो यहाँ पे भी ट्रांजिट कर जाएगा नाइन्थ हाउस तो में तो मे भी शायद एक महीना खराब गया तो दो महीने बाद सिचुएशन अच्छी हो जाती है लेकिन जो स्लो मूविंग प्लानट हैं जुपिटर सैटन इनकी ट्रांजिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बिकॉज ये एक राशि में एक साल या एक साल से ज़्यादा रहते हैं तो सैटन के ट्रांजिट और जुपिटर के ट्रांजिट का महत्व तो इसलिए बहुत ज्यादा है चार्ट में जब भी हम ट्रांजिट देखते हैं तो ये ट्रांजिट के लिए आप यूज कर सकते हो कि जहां पे जिस प्लानिट को बहुत कम पॉइंट मिले हैं जब वो वहां से गुजरेगा तो थोड़े से सिचुएशन उसके वजह से अच्छे नहीं हो सकते उस वक्त ट्रांजिट में बाकी बाकी प्लैनेट्स अगर अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं लेकिन मान लीजिए सैटन जैसा प्लैनेट क्योंकि एक साल वहां पे रहेगा तो जब कोई ऐसा मंथ आएगा जहां पे बाकी प्लैनेट्स की सिचुएशन यानी कि हो सकता है उस ज, एक ऐसा टाइम है जब वीनस यहाँ बैठा है सैटन तो यहाँ पे ढाई साल रहेगा तो वीनस यहाँ पे आया मार्स सपोज मार्स कहीं डिफ़िकल्ट कंडीशन में आ गया यानी कि मार्स भी सपोज़ लगन में आ गया यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट नहीं है मार्स के मार्स यहाँ पे आ गया जुपिटर जैसा प्लानट ट्वेल्थ में बैठा हुआ है सपोज और मर्कुरी जैसा प्लानट टू में आ गया या ट्वेल्थ में आ गया जहाँ पे अच्छे पॉइंट्स नहीं तो मतलब ऐसी सीन जब बनेगी ऐसा जब एक बोलते ना कि एक टाइम आएगा जब बहुत सारे प्लानट अच्छे सिचुएशन में नहीं हैं अच्छे पॉइंट पे नहीं है क्योंकि अढ़ाई साल के शनि के लिए शनि वहां पे बैठा हुआ है तो इस इस दौरान ऐसा हो सकता है बहुत पॉसिबल है तो वो पर्टिकुलर मंथ वो पर्टिकुलर एरिया उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल्सम लेके आएगा बहुत ज़्यादा कुछ कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है उसको तो ये चीज़ इसको आप अष्टक वर्ग से ऐसे देख सकते हो ट्रांज़िट की तकलीफों का ट्रांज़िट के थ्रू जो तकलीफ़ें आ सकती है उसको समझ सकते हो अष्टक वर्ग बेसिकली आपको यूज़ करना चाहिए कि कभी भी उसको अच्छे से यूज़ करें जैसे कि सिर्फ लगन देख रहे हैं हेल्थ देख रहे हैं तो जरूर सिक्स हाउस देखिए बिकॉज अगर लग्न वीक है और सिक्स हाउस भी वीक है तो फिर ये पर्सन छोटी मोटी डिजीज से भी पूरा इसका हेल्थ जो है ख़राब हो सकता है और इसकी इम्यूनिटी बहुत खराब होगी या फिर इसके हेल्थ कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा नहीं है तो इसके लिए सिक्स हाउस अगर आप लग्न के अंदर अच्छे पॉइंट्स नहीं है और सिक्स हाउस में भी खराब पॉइंट आ गए यानी कि बिलो ट्वेंटी एट चले गए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है तो ऑलवेज चेक इन ग्रुप की कौन कौन से क्योंकि कभी भी कोई एक सिचुएशन के लिए एक हाउस अकेला जिम्मेदार नहीं होता है उसके लिए और हाउसेस के भी सपोर्ट लगते हैं तो उन हाउसेस के हिसाब से उसको चेक करिएगा जैसे किसी का आप फोर्थ हाउस देख रहे हो फोर्थ हाउस में कम पॉइंट है ठीक है अब आप फोर्थ हाउस के जो प्लैनेट है हैं को देख लीजिए और उसके सिग्निफिकेंस को देख लीजिए और फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो इलेवेंथ में बैठा और इलेवेंथ में अच्छे पॉइंट्स हैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फो यहाँ पे मून है मून मान लीजिए इस चार्ट में अगर एक, एक्वेरियस में बैठा है तो यानी यहाँ जहाँ थर्टी तो नाइन पॉइंट्स है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मून उतना प्रॉब्लम नहीं देगा और प्रॉपर्टी के लिए इमोशंस के लिए चीजें लगभग लाइफ में ठीक चलेंगी कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी इसको इस तरीके से देखना चाहिए थोड़ा सा अष्टक वर्ग देखते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा और अष्टक वर्ग में आपको अच्छा होना है तो इसको आपको डे टू डे प्रैक्टिस में हर एक चार्ट एनालिसिस में यूज करना होगा तभी आप इसमें थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं जैसे मैंने कहा मैं इस मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं रेयरली यूज करता हूं हाँ बट ट्रांजिट के लिए आप इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अपने चार्ट पे लगाने के लिए पर्सनली ट्रांजिट रिजल्ट को समझने के लिए ये जो भिन्नास्टक वर्ग में जो ट्रांजिट हैं प्लैनेट्स को जैसा मैंने बताया उसको आप यूज़ करेंगे आपको काफ़ी रिलेवेंट रिजल्ट देखने मिलेंगे तो ये दोस्तों यहां तक मैंने जो समझाया ये सब ट्रांजिट और इन सब चीजों के लिए समझा और एक चीज जिस भी पॉइंट पे जिस भी भाव में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं इलेवेंथ हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट है यानी कि ये इंसान जिसके भी चार्ट है जो चाहेगा एलेवेंथ हाउस क्या है लाभ का है बेनिफिट्स जिससे चाहेगा बेनिफिट्स लेके ही मानेगा मतलब इसको बेनिफिट्स मिलेंगे लाभ में रहेगा ओवरऑल द लाइफ में ये लाभ में जिएगा कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स होंगे वहां पे बहुत ज़्यादा लिबर्टी है यानी कि जिस भी भाव में किसी को मान लीजिए टेंथ हाउस में ज़्यादा पॉइंट मिले मतलब वहां पे पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा फ्रीडम है उसको काम करने के लिए वहां पे उसके वहां की चीज़ों को लेके उसको बहुत ज़्यादा सिरदर्द कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रबल लाइफ में नहीं आएगी वो उन चीज़ों को आसानी से पार कर सकता है इतना उसके अंदर कैलिबर होगा जिस भी भाव में सबसे ज़्यादा पॉइंट हो वो उस इंसान के लिए फ्री एरिया होता है वहाँ पे वो बहुत कुछ कर सकता है वहाँ के लिए वो बेहतरीन काम कर सकता है इस चीज़ को समझिएगा तो ये था दोस्तों अष्टक वर्ग को कैसे निकाला जाता है कैसे देखना चाहिए और सर्वाष्टक वर्ग कैसे आपका आता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग दी दी है आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार